शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यह प्राविधान है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों पर एक अध्यापक होना चाहिए। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के बनकटी गांव के प्राथमिक विद्यालय में 117 बच्चों के बीच में दो अध्यापक होने से वहां पढ़ने वाली ज्योति गौतम सहित इन सभी बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं मिल पा रहा। किस क्लास में पढ़ती है? पाँच। और किस तरह पढ़ाया जाता है आपको? चार और पाँच एक में। और पढ़कर क्या बनना चाहती है? टीचर। तो इस तरह पढ़ाया जाए तो आप टीचर बन सकती हैं? नहीं। तो फिर और क्या क्या दिक्कत होता है आपको टीचर करने में? हमारा कोर्स पूरा नहीं हो पाता। तो क्या चाहती हैं? हमारे विद्यालय में टीचर और बढ़ जाए। तो टीचर बढ़ जाएंगे तो क्या फायदा? हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। आपके यहाँ छात्र संख्या कितना है? हमारे यहाँ छात्र संख्या 117 है। और कितने बच्चों पर टीचर्स होना चाहिए? 30 बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ दो ही अध्यापक हैं। 117 बालकों की संख्या है और अध्यापक हमारे यहाँ केवल दो। हमें संयुक्त क्लास लेनी पड़ रही है। कक्षा 4-5 को हम पढ़ाते हैं और कक्षा 1-2-3 को दूसरे अध्यापक हम पढ़ाते हैं। इस तरह हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। कभी वो इस क्लास में पढ़ाते हैं, कभी हम जाते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जिस तरीके से सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इस विद्यालय में नियमानुसार अध्यापकों की नियुक्ति हो, जिससे इन बच्चों की समस्याएँ दूर हो सके। आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से हमारा अपील है कि आप लोग सिद्धार्थनगर जनपद के BSA का मोबाइल नंबर है 94-53-00-41 पर कॉल कर दबाव बनाएं। मैं परमजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।